2024 का अगस्त महीना चल रहा है और आपने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन फाइल कर लिए हैं, लेकिन आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आप अप्लाई करेंगे तो 99% चांसेस होंगे कि उसका आपको अप्रूवल मिल जाएगा। उसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कौन से कंडीशन में आपको अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है तब भी आप इन क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। जो इस लिस्ट में क्रेडिट कार्ड है उसमें कई क्रेडिट कार्ड तो लाइफ टाइम फ्री आपको मिल जाएगा, और मैक्सिमम जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको सिविल के बेसिस पर ही मिल जाएगा। बट किसी रीजन से इनकी आपको अप्रूवल नहीं मिलते है, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में अप्रूवल मिल जाए, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं रीजन से। देखो, करंट टाइम में अभी एक सेल एंड हुआ है जो कि अमेज़न का फ्लिपकार्ट का अभी एक सेल था जो कि 15 अगस्त तक लाइव था और अब जो है वो खत्म हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल के दौरान अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो और उस क्रेडिट कार्ड का ऑफर अगर किसी सेल में चलता है तो उसकी जो अप्रूवल है काफी आसानी से मिल जाती है। तो अगस्त महीना जो है सेल स्टार्टिंग का मंथ है, इसके बाद में और भी बहुत सारे सेल आपको देखने को मिलेंगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या जितने भी शॉपिंग पोर्टल है वहां पे। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कुछ ही दिनों बाद में रक्षाबंधन है, कुछ ही दिनों बाद में आपको दशहरा देखने को मिल जाएगा, दिवाली का सेल लाइव होगा, क्रिसमस का सेल लाइव होगा, न्यू ईयर का सेल लाइव होगा, तो बहुत सारे सेल अभी आने बाकी हैं। तो एंड के ये जो कुछ महीने होते हैं ना, इस टाइम अगर आप क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन फाइल करते हो और अभी उन क्रेडिट कार्ड का जिन क्रेडिट कार्ड के सेल में ऑफर वगैरह होते हैं, यानी किसी क्रेडिट कार्ड पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, किसी क्रेडिट कार्ड पर आपको कैशबैक मिल जाता है स्पेंड करने पर, वैसे क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करेंगे ना तो उसका इंस्टेंट आपको अप्रूवल मिल जाता है। तो ये रहा रीजन जिस कारण से अभी जो इस लिस्ट में मैं क्रेडिट कार्ड बताने वाला हूं उन्हें अप्लाई करने का। दूसरा, आपको किस कंडीशन में अप्लाई करना चाहिए ये भी जान लीजिए। यदि आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है, इसके अलावा आपने पहले से कोई लोन ले रखा है या कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, उसकी टाइमली आप रीपेमेंट कर रहे हो, कोई भी आपने जो पेमेंट है डिफॉल्ट नहीं किया है, और लास्ट के 2-3 महीने में आपकी ज्यादा इंक्वायरी नहीं हुई है, अगर 1-2 हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से ज्यादा इंक्वायरी हुई है, तब तो आप इन क्रेडिट कार्ड को मत अप्लाई करो, क्योंकि इन क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन भी रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपका प्रोफाइल ऐसे मैच करता है, 750 प्लस क्रेडिट स्कोर है, पास्ट जो भी आपने लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हुए हैं उसमें कोई भी ड्यू अमाउंट को आपने डिफॉल्ट नहीं किया है, तब आप ये जो लिस्ट में आपको बताने वाला हूं इनमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लीजिए, 99% चांसेस होंगे कि इनका आपको अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हर एक सेल में एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का ऑफर जरूर ही आता है, यानी उन क्रेडिट कार्ड से आप स्पेंड करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक के 2 क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करने वाला हूं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हो और इनके अप्रूवल भी अभी अच्छे खासे मिल रहे हैं। पहला क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि आपको 499 प्लस जीएसटी की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस पे मिल जाता है। बट इसका ज्वाइनिंग फीस आप पे करते हो तो उसके लिए आपको 500 रुपए का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर भी मिल जाता है, और 3 लाख रुपए आप स्पेंड कर लोगे तो जो इसका एनुअल फीस है वो भी वैभव हो जाता है। बेनिफिट की बात कर ले तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप फ्लिपकार्ट पर अनलिमिटेड कैशबैक ले सकते हो 5% का जितनी बार भी आप शॉपिंग करते हैं। उसके अलावा अदर स्पेंड पर आपको 1% का इस पर कैशबैक मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको जो हाइलाइटेड इनके बेनिफिट्स वगैरह है वही बताऊंगा, कंप्लीट इनके डेप्थ में नहीं जाएंगे। अगर मैं डेप्थ सारी डिटेल बताने लग गया उस कंडीशन में ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन क्रेडिट कार्ड के डिटेल फुल डिटेल वीडियो भी आप सर्च करके देख सकते हो। तो आप एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दीजिएगा, और यदि आप फ्लिपकार्ट पर ज्यादा शॉपिंग वगैरह करते होंगे तो उस कंडीशन में भी इसके अप्रूवल के चांसेस कुछ बन जाते हैं, बट वो चांसेस जो है 1% का ही होता है। बाकी 99% अप्रूवल के लिए आपको एक्सिस बैंक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही बीट करना पड़ेगा, तभी आपको इसका अप्रूवल मिल पाता है। बट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्यों इन क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करने का अभी ये बेस्ट टाइम है और हाई अप्रूवल के चांसेस अभी क्यों है। सो सेकंड क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो है एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड अभी आपको लिमिटेड पीरियड के लिए लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा, यानी 0 ज्वाइनिंग फीस और 0 एनुअल फीस आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, और इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एक्टिवेशन बेनिफिट भी मिल जाता है, यानी कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद में जैसे ही आप पहला ट्रांजेक्शन करते हैं यूटिलिटी कैटेगरी में मिनिमम 300 रुपए का, तो उसके लिए आपको 100% का कैशबैक मिल जाएगा, यानी 300 रुपए का कैशबैक आपको मिल जाता है। या आप 500 रुपए का यूटिलिटी पेमेंट करो उसके लिए भी आपको जो मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा 300 रुपए का ही मिलेगा। फुल डिटेल के लिए चैनल पर विजिट करके एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड का वीडियो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने सेकंड बैंक के ऊपर जिसका क्रेडिट कार्ड का अभी ज्यादातर अप्रूवल मिल रहा है, तो वो है SBI बैंक। SBI बैंक का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड
इस टाइम काफी ज्यादा अप्रूव हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम सेल में आपको SBI कार्ड का तो ऑफर देखने को मिल ही जाता है, जिसके थ्रू आप स्पेंड करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है शॉपिंग वगैरह करने पर, चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो। तो इस कार्ड की फीस की बात कर ले तो 499 प्लस GST आपको पे करना पड़ता है, बट उसके लिए आपको 500 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। एंड इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस भी सेम ही है, यानी 499 प्लस GST, बट उसे आप वेव ऑफ करवा सकते हो। एक साल में आप 1,00,000 रुपए स्पेंड कर लोगे तो इसका जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा। इस कार्ड के जरिए इसके जो एक्सक्लूसिव पार्टनर है वहां पर स्पेंड करते हो तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, जैसे कि अपोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, डोमिनोज, मिंत्रा, नेटमेट्स, स्विगी, यात्रा पर स्पेंड करने पर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है। एंड ऑल अदर स्पेंड जैसे कि ऑफलाइन वगैरह स्पेंड करते हैं उस कंडीशन में आपको प्रति 100 रुपीज स्पेंड करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बैंक कौन सा है और कौन सा उसका क्रेडिट कार्ड ज्यादातर अप्रूव हो रहा है। तो नेक्स्ट बैंक जो है वो है HDFC बैंक, और HDFC बैंक का टाटा नियो क्रेडिट कार्ड अभी जो है काफी ज्यादा अप्रूवल हो रहे हैं। टाटा नियो के 2 क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाते हैं, टाटा नियो इन्फिनिटी और टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड। इन दोनों क्रेडिट कार्ड के मेजर डिफरेंस की बात कर ले तो आपके पास में अगर न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड होगा उस कंडीशन में आप टाटा न्यू एप्लीकेशन पर स्पेंड करते हैं तो आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, और न्यू प्लस कार्ड है आपके पास में तो 7% का कैशबैक मिल जाता है। इनके जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ऑनलाइन पार्टनर्स हैं, उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा इन्फिनिटी कार्ड के ऊपर, और 2% का कैशबैक मिलेगा आपको प्लस कार्ड के ऊपर। इसके अलावा टाटा न्यू एप्लीकेशन के थ्रू आप बिल पेमेंट करते हैं तो 5% का कैशबैक आपको मिलेगा इन्फिनिटी के ऊपर, और न्यू प्लस कार्ड के ऊपर आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। UPI ID पर स्पेंड करते हैं, जो रुपए वेरिएंट वाला क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, तो उसके थ्रू टाटा न्यू एप्लीकेशन के थ्रू आप स्पेंड करोगे तो इन्फिनिटी पर आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा और प्लस वाले कार्ड पर आपको 1% का बेनिफिट यानी कैशबैक मिल जाता है। अदर UPI स्पेंड करते हैं यानी दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू स्पेंड करते हैं उस कंडीशन में आपको 0.5% का कैशबैक आपको मिलेगा इन्फिनिटी के ऊपर, और 0.25% का जो कैशबैक है आपको प्लस कार्ड के ऊपर मिलेगा। और ये जो चेंजेस है 1 अगस्त 2024 से हुए हैं। इससे पहले जो था 1.5% का इसमें भी मिलता था और 1% का कैशबैक आपको अदर UPI एप्लीकेशन के थ्रू स्पेंड करने पर भी मिलता था। इसके अलावा ऑल अदर जो भी आप स्पेंड करोगे उस पर आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा इन्फिनिटी कार्ड के ऊपर, और प्लस कार्ड से स्पेंड करते हैं तो 1% का कैशबैक मिलेगा। बट कुछ कंडीशन पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे कि आप वॉलेट लोड करते हो, फ्यूल के ऊपर ट्रांजेक्शन करोगे, रेंट, गवर्नमेंट स्पेंड करते हो, तो इस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड पर आपको 8 डोमेस्टिक एंड 4 इंटरनेशनल कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है पर एनम, और यही पर आपके पास में प्लस कार्ड होगा तो 4 डोमेस्टिक पर एनम आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है। फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है आपको दोनों पर 1% का ही मिल जाता है। बात करें इनके फीस की तो इन्फिनिटी कार्ड का जो फीस है 1499 रुपए है ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस, बट अभी आप इसको अप्लाई करते हो तो ज्वाइनिंग फीस आपको कुछ भी नहीं देना है, 0 ज्वाइनिंग फीस आपको लगेगा। एनुअल फीस अगर आपको लगता है तो उसे भी आप वेव ऑफ करवा सकते हो। एक साल में आप अगर 3,00,000 रुपए स्पेंड कर लोगे तो इसका एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाएगा। प्लस कार्ड की बात कर ले तो इसका जो ज्वाइनिंग फीस है 499 प्लस GST है, और एनुअल फीस भी सेम ही है, बट इसका भी जो ज्वाइनिंग फीस है अभी करंट टाइम में बिल्कुल ही 0 है। एनुअल फीस को आप वेव ऑफ करवा सकते हो 1,00,000 रुपए ईयरली स्पेंड करके। तो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर स्पेंड करने के लिए 10% का डिस्काउंट लेने के लिए HDFC कार्ड का जब ऑफर आता है तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। उसके अलावा UPI पेमेंट करने के लिए भी ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब बात करें अपने नेक्स्ट बैंक और नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की, तो नेक्स्ट बैंक जो है इंडोसेंट बैंक है, और इंडोसेंट बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड अभी बहुत ही ज्यादा अप्रूव हो रहा है, और कई सेल में आपको इंडोसेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड का भी ऑफर देखने को मिल जाता है। तो आप अगर इंडोसेंट बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो टाइगर क्रेडिट कार्ड को अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और करंट टाइम में ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, तो फिलहाल के लिए ये भी आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये सजेशन तो उनके लिए था जो अभी मैंने प्रोफाइल बताया था उससे अगर आप मैच करते हैं तो। लेकिन आपका प्रोफाइल उससे मैच नहीं करता, यानी आपका अभी सिबिल कम है, 700 प्लस है, 750 से ज्यादा नहीं है, और हो सकता है किसी रीजन से आपने टाइमली बिल पे ना किया हो, एक दिन दो दिन डिले कर दिया हो, तो उस कंडीशन में आपका जो सिबिल है डाउन हो गया हो, तो आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। देखो इन क्रेडिट कार्ड का आप एप्लीकेशन फाइल करोगे तो उस कंडीशन में आपको अप्रूवल के तो ना के बराबर ही चांसेस रहेंगे, तो इसीलिए आप उन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके अपने सिबिल में इंक्वायरी मत दिखाइए। तो आप एक दूसरा वे अपना सकते हैं जो कि है बजाज EMI कार्ड।
अगर आप एक ईएमआई कार्ड लेते हो उसका आपको अप्रूवल मिल जाएगा, उससे आप खर्च करोगे तो आपका जो है सिबिल फिर से इंक्रीज हो जाएगा। देन आप अपना क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन फाइल करोगे तो उसका जो अप्रूवल के चांसेस होंगे काफी ज्यादा हाई होंगे। बजाज ईएमआई कार्ड की अगर हम बेनिफिट की बात कर ले तो 4000 प्लस लोकेशंस पर ये अवेलेबल है, 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है जिनको आप बाय कर सकते हो बजाज ईएमआई कार्ड के थ्रू। इस कार्ड पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है 100% ऑनलाइन होगा, आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टेंटली आप अप्लाई करोगे और आपको अप्रूवल मिल जाएगा आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। इस कार्ड पर आपको मैक्सिमम जो लिमिट मिल सकता है 3 लाख रुपए तक का मिल सकता है। इस क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी प्रोडक्ट को आज बाय कर सकते हो और पार्ट बाय पार्ट करके यानी ईएमआई में उसकी पेमेंट कर सकते हो, ये आपको सुविधा मिल जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड के जैसा ही इसका भी काम है, लेकिन कुछ कैटेगरी में आप इसका यूज नहीं कर पाते, लाइक आपको बिल पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, रेंट ट्रांजेक्शन करना है, ट्यूशन फी पे करना है, उस कंडीशन में आप बजाज ईएमआई कार्ड का यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां पर इसके एक्सेप्टेंस है स्टोर्स पर वहीं पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए एलिजिबल है तो आप जरूर से इसे ले लीजिएगा। एलिजिबिलिटी चेक करने का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है चेक कर सकते हैं। अब बात करें उनके लिए जिनका अभी सिबिल जनरेट ही नहीं हुआ या फ्रेशर है या किसी कारण से उनका जो सिबिल है बहुत ज्यादा कम हो चुका है, लाइक उन्होंने डिफॉल्ट पेमेंट वगैरह कर दिया यानी टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाए किसी भी लोन की या क्रेडिट कार्ड से जो स्पेंड किया था उसकी अमाउंट को वो टाइमली बिल पे ना कर पाए हो, उस कारण से उसका सिबिल डाउन हो गया हो, उस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका सिबिल भी अप्रूव हो और फ्यूचर में वो किसी क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल करे तो उनको अप्रूवल आसानी से मिल जाए। तो उस कंडीशन में आप एक एफडी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। एफडी क्रेडिट कार्ड आपको हर एक बैंक प्रोवाइड करती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बैंक है ना उनका एफडी अमाउंट भी ज्यादा होता है। लाइक हम एसबीआई की बात कर ले तो एसबीआई में आपको 25,000 रुपए का एफडी करना पड़ता है, उस कंडीशन में आपको उसका क्रेडिट कार्ड मिल सकता है एफडी वाला भी। वहीं पर हम दूसरे बैंक की बात कर ले लाइक आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनके भी जो अमाउंट है हाइयर ही है 25,000-50,000, तब जाकर आपको एक एफडी वाला क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो आपके पास में इतना अमाउंट है तो आप डेफिनेटली इनके तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपके पास में इतना अमाउंट नहीं है उस कंडीशन में मैं आपको एक क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करूं जो कि है कार्डिलियो क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कीजिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको मिनिमम 5,000 की एफडी पर मिल जाएगा और जो भी आप अमाउंट यहां पर डिपॉजिट करते हो उस पर आपको अप टू 7% का इंटरेस्ट भी मिलता है। जो भी पैसा आप यहां पर डिपॉजिट करोगे यानी एफडी करोगे वो डीआईसीजीसी के तहत इंश्योर होता है, यानी उस पैसे को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। 5 लाख रुपए तक भी आप यहां पर डिपॉजिट करते हो ना तो आपका वो पैसा सेफ है, किसी भी तरह का कोई अनहोनी भी हो जाता है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट आपको ये पैसा देगी। इस क्रेडिट कार्ड का भी अप्लाई का जो प्रोसेस है बिल्कुल ही ऑनलाइन है, कोई भी आपको फिजिकल पेपर वर्क नहीं करना है, ऑनलाइन आप एक क्लिक में इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी आप स्पेंड करोगे उस पर आपको 1% का जो कैशबैक है वो मिल जाता है, प्लस में ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा यानी 0 ज्वाइनिंग फीस पर आपको मिल जाता है। और सिबिल स्कोर को टाइम टू टाइम इंप्रूव करने के लिए यानी ज्यादा करने के लिए आपके पास में मिक्सचर क्रेडिट कार्ड या फिर लोन होने चाहिए, यानी अनसिक्योर्ड भी होना चाहिए और सिक्योर्ड भी लोन आपके पास में होना चाहिए। तो सिक्योर्ड लोन में आप होम लोन, बाइक लोन, कार लोन वगैरह ले सकते हो और क्रेडिट कार्ड में आप कोई एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। सो आप इस क्रेडिट कार्ड को जब एक बार ले लोगे और इससे अमाउंट खर्च करोगे उसकी टाइमली आप रिपेमेंट करोगे 3 से 6 महीने बाद में आप देखना कि आपको किसी न किसी एक बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाएगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या लोन का हो। अगर आपको लोन का भी प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाता है ना तो फटाक से उसे ले लीजिएगा, कितने भी अमाउंट का हो, 5,000-10,000 का। अगर बैंक की तरफ से आपको ऑफर मिलता है ना और उसको आप लेकर टाइमली उसकी आप रिपेमेंट करते हैं ना तो उससे भी जो आपका सिबिल है ना रॉकेट की तरफ बढ़ता है। हाँ, उसमें कुछ लोग गलती करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास में अमाउंट होता है और वो लोन ले लेते हैं, तो जो उन्होंने लोन लिया था 12 महीने के लिए मान लो ले लिया था तो उसे वो 12 महीने ईएमआई पे ना करके 1 से 2 महीने में ही पे कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, जितने महीनों के लिए आपने लोन लिया था उसको आप उसी तरह से पे कीजिए, एक बार में पे मत कीजिए। जैसे अभी आपको एक शॉर्ट अमाउंट का अगर लोन मिला होगा तो बाद में आपको हायर अमाउंट का लोन मिल सकता है और आप क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल करोगे तो उसका जो अप्रूवल है 100% आपको मिल जाएगा। सो ऐसा आपका प्रोफाइल है तो इन ट्रिक्स को आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है कि उनके पास में एफडी करने के लिए भी पैसा नहीं है और उनका अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड तो अप्रूवल ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं और बैंक की तरफ से उनको कोई ऑफर नहीं मिल रहा है, तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप किसी भी एनबीएफसी कंपनी से कोई एक छोटा मोटा लोन अप्लाई करके देखिए, उसका आपको अप्रूवल मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो एनबीएफसी कंपनी है ना वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो मैं आपको वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं कहूंगा लेने के लिए, छोटा मोटा अमाउंट आप ले सकते हो
हजार 2000 का और उससे आप अमाउंट लेकर उसके आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका सिबिल इंक्रीज हो जाएगा, जिसके बाद भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उसके भी अप्रूवल के चांसेस बन जाते हैं। तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से लोन एप्लीकेशन ट्रस्टेड है यानी आरबीआई से लाइसेंस्ड उनको मिला हुआ है, तो मैं आपको 2-3 एप्लीकेशन सजेस्ट करता हूँ जिनसे आप लोन ले सकते हो। जैसे कि क्रेडिट बी से आप लोन ले सकते हो, मनी व्यू से आप लोन ले सकते हो, नावी से आप ट्राई कर सकते हो। इन कंपनियों को आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है लोन देने के लिए, तो इनसे आप लोन ले सकते हो और टाइमली आप इसका रिपेमेंट जरूर से करना, तभी आपका सिबिल इंक्रीज होगा और उसके बाद ही आपको प्री अप्रूव्ड लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल सकता है। बट किसी कारण से इनके भी आपको अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं, तो आपके पास में कौन सा जरिया बचता है? तब आप डेबिट कार्ड ईएमआई ले सकते हैं। बहुत सारी बैंकें जो है डेबिट कार्ड की ईएमआई की फीचर देती है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक की बात कर ले, एचडीएफसी बैंक की बात कर ले। डेबिट कार्ड ईएमआई देने में एचडीएफसी बैंक सबसे आगे है, तो अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट होगा और उस अकाउंट को आप अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे, उस कंडीशन में आपको डेबिट कार्ड के ऊपर ईएमआई का ऑप्शन मिल सकता है, तो आप उस डेबिट कार्ड ईएमआई का यूज करके कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं और उसकी आप टाइमली रिपेमेंट करना शुरू कर दीजिए, जिससे बाद में आपको एक हायर अमाउंट का भी डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड का भी आपको प्री अप्रूव ऑफर जो है बैंक की तरफ से मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, यानी अभी आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए, विद रीजन मैंने आपको बताया है क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए, कैसे आपको इसका अप्रूवल मिल सकता है, कोई क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अब भी कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई ना तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और ऐसे कॉन्टेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।